टीचर बनना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, डीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निक। आटा चक्की मिल चलाने वाली की बेटी बनी कॉमर्स की सेकंड टॉपर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। आज बिहार बोर्ड 12वीं की रिजल्ट जो है वो घोषित हो गई है और बिहार में गया जिले से आई कोमल कुमारी इस बार बिहार की कॉमर्स की सेकंड टॉपर बनी है। उनके जो पिता हैं वो आटा चक्की चलाते हैं। क्या कुछ कोमल कह रही हैं, पहले आप उनकी पूरी बात। 474 आया है, 94.8%। कैसे ये संभव हो पाया? ए भोला भैया, कैसे ये संभव हो पाया? मेहनत का, भगवान की दया से हुआ। इस सफलता का कुछ आपने कुंजी रखा है, क्या वो कुंजी है सफलता का? पहला तो सेल्फ स्टडी का 10:1 एक्टिव कॉल भी कहता है कि सबसे पहले 10 पेज खुद से रीड कर लो, फिर उसके बाद एक पेज है ना खुद अपना समरी बनाओ जिससे आपका माइंड खुद डेवलप करेगा। और पढ़ते समय ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, बीच में ब्रेक लेना चाहिए। आगे क्या आपकी एम है? मैं टीचर बनना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, डीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निक टीचर। आप अपने तरह के साथियों को क्या कहना चाहेंगे, आपके जो नीचे के साथी हैं? मैं वही कहना चाहूँगी कि वो लोग भी अच्छे से मेहनत करके लगन से पढ़े ताकि मेरी तरह भी बिहार टॉप करें। मैट्रिक में आपकी कितनी थी? मैट्रिक में 437.4% प्रथम स्थान। स्कूल में टॉप किए थे। तो आपने सुना कोमल क्या कुछ कह रही हैं, साथ ही साथ उनके माता पिता क्या कह रहे हैं, हम उनकी बातों को भी आपको सुनवा। कैसे ये संभव हो पाया है, किस तरह आप क्या करते हैं? हम आटा चक्की मिल चलाते हैं सर, और बहुत गरीबी स्थिति में पढ़ाए हैं इसको, बहुत मेहनत की है मेरी बेटी, इसका बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रात रात जाग जाग के पढ़ी है और काफ़ी छोटा घर है, गरीबी भी है, तो ये घर में क्या सोच आपके मन में आई कि चलो इसका इतना ही में है और चाहते हैं कुछ हेल्प मिलता था और अच्छा बेटी को कराते हैं। किस तरह के हेल्प प्रशासन से चाहते हैं? आप पहले कभी सोचे थे? आप सोचे थे कि तो सोचे थे कि बढ़िया नंबर लाएगी, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि बिहार टॉपर करेगी। बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा किया है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और क्या खूबी इनको बचपन में देखा कि आपको, आप इनको पढ़ाई के लाइन में लाए, ज़्यादा सुविधा दिए? बचपने से मेहनती थी सर, हम लोग थोड़ा सहयोग किए। और क्या बनाना चाहते हैं इनको? टीचर जो बनना चाहती है टीचर, वो उसमें सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूरा हो, क्या नाम पूरा हो? मेरा अशोक कुमार हुआ। बोलिए। पढ़ते थे, मन लगा के तो पढ़ते थे, चाहते थे कि काम तो हमेशा करते करेगी, अभी पढ़ाई जरूरी है तभी पढ़ लेगी, अच्छा रहेगा। आपको लगता था कि ये इतनी बड़ी मुकाम हासिल करेगी? इतना तो नहीं विश्वास था, चाहते थे कि फर्स्ट डिवीजन, हम ये नहीं चाहते थे कि खूब मेहनत करो तो खूब मतलब नंबर ला, जबरदस्ती नहीं था सर, अपना मन से अच्छा से पढ़ाई की प्रेशर नहीं था, लेकिन ये भी अपना दिल लगा के पढ़िए तो अच्छा नंबर लाए। हम लोग कहते थे कितना परिश्रम करना पड़ा पढ़ाने के लिए, परिश्रम तो करना ही पड़ा। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटी है बस। ये कैमा है? हाँ, ये पहला छोटी है, ये बड़ी है बस, दो बेटी है। छोटी है, हाँ, इसका नाम है, इसको बड़ी है। हाँ, अपना नाम बताओ। नर्मदा देवी नाम है। गया जिले के पुरानी करीमगंज निवासी कोमल कुमारी ने 474 अंक लाकर कॉमर्स में बिहार की सेकंड टॉपर बनी है और अपने जिला का नाम रोशन किया है। कोमल मिर्जा गालिब कॉलेज की छात्रा हैं। इस मौके पर उनके माता पिता ने मिठाई खिलाकर उनको काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं दी हैं। कोमल शुरू से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रही हैं, यहाँ तक कि कोमल ने 10वीं में स्कूल टॉपर भी रही थी। वहीं आपको बताते चले कि जहाँ
एक तरफ लोग टॉप करने के बाद आईएएस और आईपीएस बनने के ख्वाब रखते हैं, तो कोमल ने कहा है कि वो टॉपर होने के बाद अब वो जो है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे, यानी कि वो शिक्षक बनना चाहती हैं और देश का और ख़ास करके बिहार राज्य का वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं और अपना योगदान देना चाहती हैं। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।